हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चंस ऑफ़ असाइनमेंट ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड्स क्वेश्चन नंबर वन इज़ इन एन एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई स्टोक्स लॉ अ स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर डेंसिटी रो फॉल्स अंडर ग्रेविटी थ्रू अ डिस्टेंस एच इन एयर बिफोर एंट्रिंग अ टैंक ऑफ वाटर बेटा एक क्या है हमारे पास वट इज़ दिस क्वेश्चन एक टैंक ऑफ वाटर है दिस इज द टैंक ऑफ वाटर ठीक है इसमें पानी है उन्होंने बोला है कि क्या है एक सफ़ेरिकल बॉल है दिस इज़ द सफ़ेरिकल बॉल इसका रेडियस कितना है दिस इज़ सफेरिकल बॉल इसका रेडियस कितना है आपका आर रेडियस है ठीक है डेंसिटी रो इसकी डेंसिटी सफेरिकल बॉल की मटेरियल ऑफ बॉल की डेंसिटी जो है वो रो है फॉल्स अंडर ग्रेविटी ये अंडर ग्रेविटी फॉल रहा है ठीक है थ्रू हाइट एच ये हाइट एच है इन एयर बिफोर एंट्रिंग अ टैंक तो बेटा टैंक में एंटर करने से पहले ये एच हाइट ट्रेवल कर चुका है एयर में इफ़ द टर्मिनल विलोसिटी ऑफ द बाल इन साइड द वाटर तो वाटर की डेंसिटी हमने रो वन ले ली और जो ऑब्वियसली जब वो पानी के अंदर फॉल करेगा तो उसमें टर्मिनल विलोसिटी से मूव करेगा वो वो जो टर्मिनल विलॉसिटी है पानी के अंदर वो सेम है एज इट्स विलासिटी जस्ट बिफोर एंटरिंग द वाटर सरफेस सरफेस वाटर सरफेस से एंटर करने से पहले जो विलॉसिटी थी वो इक्वल है जो टर्मिनल विलॉसिटी है पानी के अंदर बॉल की तो वैल्यू ऑफ़ एच इज़ प्रोपोर्शनल टू तो आपको इस एच की वैल्यू निकालनी है तो बेटा सबसे पहले तो जब ये फ्री फॉल कर रहा है तो विलासिटी जो होगी बॉल की आपकी उसको मैंने वी लेट कर लिया कौन सी विलासटी है ये विलासिटी ऑफ बॉल आफ्टर फ्री फॉल तो ये फ्री फॉल हो रहा है तो फ्री फॉल की आपने एक्सप्रेशन पढ़ी है वी किसके बराबर आ जाएगा अंडर रू टू जी एच क्लियर तो जब जब वो अब ये फॉल करने करने के बाद क्या हुआ जब उसने एच डिस्टेंस ट्रैवल किया तो वेलोसिटी जो बाल की है वो इक्वल होगी टर्मिनल वेलोसिटी के तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है बेटा आपकी टर्मिनल वेलोसिटी की एक्सप्रेशन आप सबने पढ़ी है टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है वी वो किसके बराबर आ जाएगी टू अपॉन्ट नाइन आर स्क्र जी रो वन डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी अपॉन ईटा कोफिशेंट ऑफ विस्कॉस्टी तो ये दोनों इक्वेशन क्या है बेटा ये अगर फर्स्ट इक्वेशन ले ली मैंने ये सेकेंड इक्वेशन ले ली तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने बोला ये दोनों विलॉसिटीज इक्वल हैं तो इनको आप इक्वल uh, इक्वेट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा अंडर रू टू जी एच किसके बराबर आ जाएगा टू अपॉन नाइन आर स्क्योर जी अपॉन ईटा रो वन माइनस रो तो बेटा वैल्यूज़ डाल दीजिए स्क्वेयरिंग कर दीजिए बोथ साइड्स तो क्या आ जाएगा टू जी एच इजिकल टू फोर अपॉन्ट नाइन नाइन जहाँ एटी वन आर फोर जी स्क्र ईटा स्क्र और रो वन माइनस रो का होल स्क्र तो सारी वैल्यूज़ डाल दीजिए एच निकालनी है आपको तो टू वन ज टू 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 या फोर कैंसिल हो जाएंगे और जी जो है वो एक जी और एक जी भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो सारी वैल्यूज़ डाल दीजिए टू अपॉइंट एटी वन आर फोर ठीक है ये क्या है आर फोर जी रह जाएगा ठीक है अपॉन ईटा स्क्वेयर रो वन माइनस रो का होल स्क्र क्लियर हो गया ठीक है तो ये इसका मतलब उन्होंने बोला है कि बताएं एच किसके प्रोपोर्शनल है तो बेटा ऑब्वियसली एच यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है आर की पावर फोर के तो इसका ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वेन अ लॉन्ग ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.01 पॉइंट जीरो वन सेंटीमीटर तो रेडियस कितनी दी है कैपलरी की 0.015 सेंटीमीटर इज़ डिप इन अ लिक्विड द लिक्विड राइजेस टू अ हाइट ऑफ तो हाइट भी दी है आपको 15 सेंटीमीटर विद इन इट इफ़ द कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन द लिक्विड एंड ग्लास इज़ क्लोज टू जीरो डिग्री तो थीटा भी आपको दिया है ज़ीरो डिग्री द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इन मिली न्यूटन पर मीटर टू द नियरेस्ट इंटीजियर तो आपको सरफेस टेंशन टी निकालनी है तो आपको उन्होंने लिक्विड की डेंसिटी रो भी दी है कितनी 900 हंड्रेड पर मीटर क्यूब और आपको जी बोला है उन्होंने लेने के लिए टेन मीटर पर सेकंड क्यू तो बेटा ऑब्वियसली यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे एच इगल टू टू टी कॉस थीटा अपॉन आर रो जी तो आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं तो बेटा वैल्यूज़ डाल दीजिए ठीक है क्या आ जाएगा टू निकालना क्या है आपको सरफेस टेंशन आपको टी निकालनी है तो टी को इधर ही रहने दे टी इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा एच रो आर रो जी अपॉन टू कॉस थीटा क्लियर तो वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे एच कितना है आपका 15 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लीजिए इंटू मीटर में क्योंकि ये मी, मीटर में है आपके तो कितना आ जाएगा फ़िफ्टीन इंटू टेन टू पावर कितनी आ जाएगी माइनस मीटर ठीक है आर हाँ आपका ज़ीरो पॉइंट जीरो वन सेंटीमीटर है तो इसको भी कर लीजिए ये कितना बन जाएगा ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन फाइव है ना ये तो अगर मैं इसको फिफ्टीन लिख लूँ तो बेटा टेन रेस्ट माइनस टू भी थी और एक दो तीन भी हैं तो तीन और माइनस टू कितने हो जाएंगे माइनस थ्री और माइनस टू हो जाएंगे माइनस फाइव मीटर क्लियर तो थीटा आपको ज़ीरो डिग्री है तो यहाँ से कॉस थीटा आपका निकल जाएगा कॉस ज़ीरो डिग्री कितना हो जाएगा वन हो जाएगा तो सारी वैल्यूज अब आपकी आ गई आप डाल दीजिए यहाँ पे आ जाएगा 15 इंटू टेन रेज टू पावर माइनस टू इंटू आर कितना है 15 इंटू टेन रेज टू पावर माइनस फाइव आर रो कितना दिया है 900 हंड्रेड जी कितनी दी है 10 अपॉन टू कॉस वन क्लियर तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे योर आंसर कम्स आउट टू बी वन हंड्रेड वन पॉइंट टू फाइव इंटू टेन रेज टू पाव माइनस थ्री न्यूटन पर मीटर तो जिसको आप अप्रॉक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं वन हंडर्ड वन लिख सकते हैं ठीक है टेन एस्ट्रो माइनस थ्री है तो माइनस थ्री मीन्स मिली तो मिली न्यूटन पर मीटर में आपका आंसर आ गया क्योंकि उन्होंने मिली न्यूटन पर मीटर में आंसर मांगा है तो दिस इज द सरफेस टेंशन वन हंडर्ड वन मिली न्यूटन पर मीटर क्लियर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अन आइडियल फ्लूड फ्लोज थ्रू अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डाया एक आइडियल फ्लूड है जो आपका नॉन यूनिफॉर्म डायामीटर से एक पाइप से फ्लो कर रहा है जिसका नॉन यूनिफॉर्म डायामीटर है ठीक है बेटा तो नॉन यूनिफॉर्म डायामीटर कुछ इस तरह से पाइप होगी ठीक है ये ऐसे करके तो यहाँ पे जो एरिया है ये मिनिमम है स्मॉल एरिया है मिनिमम और यहाँ पे एरिया कितना है आपका मैक्सिमम बड़ा एरिया है एक साइड तो यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी मैक्सिमम होगी क्योंकि आप सब ने पढ़ा है कि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एरिया एंड वेलोसिटी जो होती है इट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट मींस एरिया इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे एरिया मिनिमम है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और यहाँ से वेलोसिटी क्या होगी मिनिमम होगी क्लियर हो गया तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है आपकी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए मिनिमम जो होता है इन वी मैक्सिमम जो होगा वो इक्वल होता है ए मैक्सिमम इंटू वी मिनिमम क्लियर तो अब आप लगा दीजिए इसी में फॉर्मूला तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्योर तो पाई आर स्क्योर तो आर कोड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आर इज डी बाई टू का होल स्क्योर तो ये क्या आ जाएगा पाई डी स्क्योर अपॉन फोर तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पाई अपॉन फोर डी जो है यहाँ पे डी मिनिमम है डायामी मिनिमम डाया का स्क्वायर आएगा क्लियर इन टू वी मैक्सिमम इज इक्वल टू यहाँ पे भी पाई अपॉन फोर यहाँ पे डी मैक्सीम का होल स्क्र इंटू वी मिनिमम क्लियर हो गया तो कर लीजिए इसको कैलकुलेट पाई बाई फोर पाई बाई फोर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपको क्या निकालनी है यहाँ पे द मैक्सिमम एंड मिनिमम डायमीटर्स आपको दिए हुए हैं मैक्सिमम डायमीटर है, है 6.4 तो यहाँ पे 6.4 आ जाएगा मिनिमम है 4.8 पॉइंट एट द रेशो ऑफ द मिनिमम एंड मैक्सिमम बिलोसीज आपको मिनिमम और मैक्सिमम बिलोसीज की रेशियो निकालनी है तो मिनिमम ये है वी मिनिमम तो इसको दूसरी साइड ले जाओ तो वी मैक्सिमम हो जाएगा इज इक्वल टू डी मिनिमम अपॉन डी मैक्सिमम का होल स्केयर बन जाएगा ये क्लियर तो डाल दीजिए वैल्यू डी मिनिमम कितनी है आपकी फोर पॉइंट एट है डी मैक्सिमम कितनी है सिक्स पॉइंट फोर है तो इसका होल स्केयर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा थ्री बाई फोर का होल स्केयर मीन्स नाइन बाई फोर फोर जिक्सटीन तो नाइन बाई सिक्सटीन ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा इफ एम इज द मास ऑफ वाटर दैट राइज इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर आपका ये जो एम है ये क्या है ऐसा मास है मास है वाटर का जो राइज कर रहा है कैपिलरी ट्यूब में किस कैपिलरी ट्यूब में जिसका रेडियस कितना है आर रेडियस है क्लियर उन्होंने बोला देन द मास ऑफ वाटर विच विल राइज़ इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस टू आर अगर मैं रेडियस को डबल कर दूँ तो तो हमारा वाटर कितना राइज़ करेगा कैपिलरी ट्यूब में वो आपको निकालना है तो बेटा आप सबको पता है हाइट जो होती है हाइट ऑफ लिक्विड राइज इन कैपिलरी ट्यूब वो होती है टू टी कॉस थीटा अपॉन आर रो जी इसका मतलब एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर <laughs> तो जिसका रेडियस आ रहा है उसकी हाइट कितनी राइज हो रही है एच तो जिसका रेडियस डबल हो जाएगा जिसका रेडियस डबल हो जाएगा मींस आर डैश कितना हो गया आपका गिवन क्या दिया है आपको आर डैश दिया है वो डबल है टू आर है आर डैश किसके बराबर है टू आर के बराबर है तो जिसका रेडियस बेटा तो एच डैश कितनी होगी देखें एच डैश कितनी हो जाएगी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर डैश तो आर डैश कितना है टू आर तो इसका मतलब एच डैश जो होगी वो कितनी हो जाएगी वन अपॉन आर डैश की जगह पे क्या आ जाएगा टू आर तो इसका मतलब हाफ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हाफ तो एच डैश हमारी कितनी आ जाएगी जो अगर आर आर के केस में एच हाइट थी तो टू आर के केस में एच बाई टू हो जाएगी हाफ हो जाएगी क्लियर हो गया तो यहाँ से आप निकाल लीजिए एच डैश हमारा निकल गया नो यू हैव टू कैल्कुलेट मास ये तो हाइट निकली क्योंकि अगर रेडियस आपका डबल हो जाएगा तो हाइट क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी बिकॉज हाइट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस नाउ डेंसिटी आप सबको पता है डेंसिटी जो होती है वो किसके बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम ठीक है तो आपको मास कैलकुलेट करना है तो मास किसके बराबर हो जाएगा डेंसिटी इन वॉल्यूम एंड वॉट इज़ वॉल्यूम आप सबको पता है कैपलरी ट्यूब में जो वो बनती थी वो क्या है एक सिलेंडर होता है तो सिलेंड्रिकल है तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा पाई आर स्क्यूअर एच क्लियर तो ये आपका एम निकल गया इसी तरह से एम डैश निकाल लीजिए एम डैश कितना आ जाएगा रो तो ऐसे ही रहेगा पाई भी ऐसे ही रहेगा आर की जगह पे आर डैश का स्क्वायर आ जाएगा और एच की जगह पे एच डैश आ जाएगी क्योंकि जब मास आ, रेडियस चेंज हो रहा है तो हाइट भी चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली मास भी चेंज होगा तो अब आपको यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है निकालने के लिए मास निकालना है तो बेटा तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए एम डैश अपॉन एम इज़ इक्वल टू रो पाई आर डैश स्क्योर एच डैश अपॉन रो पाई आर स्क्योर एच क्लियर तो ये रो पाई रो पाई कैंसिल हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगी हमारी एम डैश अपॉन एम इज़ इक्वल टू डाल दीजिए वैल्यू आर डैश की वैल्यू कितनी थी अभी बताया टू आर टू आर का होल स्क्वायर एच डैश कितनी है एच बाई टू अपॉन आर स्क्योर और एच तो बेटा यहाँ से एच एच कैंसिल हो जाएंगे आर स्क्योर आर स्क्र भी कैंसिल हो जाएंगे टू टू जा फोर हो जाएगा तो ये फ़ोर पॉइंट टू बन जाएगा फोर पॉइंट टू मीन्स टू तो इसका मतलब आपका एम डैश जो होगा वो टू टाइम्स एम हो जाएगा तो अगर आपकी रेडियस डबल हो रही है तो जो लिक्विड राइज जो मास ऑफ वाटर होगा जो राइज करेगा कैपिलरी ट्यूब में वो डबल हो जाएगा पहले वाले मास से क्लियर हो गया लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका वाटर फ्रॉम अ पाइप इज कमिंग एट अ रेट ऑफ हंड्रेड लीटर्स पर मिनट तो एक पाइप से पानी जो है वो हंड्रेड लीटर पर मिनट आ रहा है मीन्स दिस इज रेट ऑफ फ्लो क्या है ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर दिया है आपको तो रेट ऑफ फ्लो को आप विलोसिटी अपॉन टाइम लिखते हैं क्लियर और ये रेट ऑफ फ्लो आपको कितना दिया है हंड्रेड लीटर्स पर मिनट ठीक है और ये यो जो जो रेट ऑफ फ्लो होता है बेटा ये एरिया इनटू वेलोसिटी मींस ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है क्लियर तो ये उन्होंने बोला इफ़ द रेडियस ऑफ द पाइप इज फाइव सेंटीमीटर आपको रेडियस दिया है पाइप का फाइव सेंटीमीटर द रिन नंबर उन्होंने बोला द रोल्ड नंबर ऑफ फॉर द फ्लो इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ आपको रेनॉल्ड नंबर का ऑर्डर निकालना है कि जो रेनॉल्ड नंबर होता है उसका ऑर्डर कितना होगा मीन्स उसकी वैल्यू निकालने यू हैव टू कैलकुलेट हेयर रिनॉल्स नंबर तो बेटा आप सबको पता है रिनॉल्ड नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एन आर रिनॉल नंबर इज इक्वल टू रो वी डी अपॉन ईटा क्लियर तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है आपकी वेलोसिटी वो किसके बराबर आ जाएगी वॉल्यूम फ्लो रेट अपॉन एरिया ठीक है क्योंकि आपने यहाँ पे पढ़ा है क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ से अगर वी जो निकालनी होगी हमारी वो किसके बराबर आएगी वी अपॉन टी इंटू ए है ना तो इसका मतलब ये जो हमारी विलॉसिटी है यहाँ पे विलोसिटी ऑफ फ्लो जो होगा वी वो किसके बराबर आएगा वो आएगा वी अपॉन टी इंटू ए क्लियर ये ए जो है ये कहाँ आ जाएगा नीचे डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि वी अपॉन टी जो होता है इंटू इजिकल टू ए वी तो वी कितना आ जाएगा ए क्लियर हो गया तो यहाँ से बेटा आपकी ये v की वैल्यू आ गई v क्या है यहाँ पे वेलोसिटी क्लियर तो आप यहाँ से निका वी अपॉन टी किसके बराबर आएगा हंड्रेड लीटर्स पर मिनट तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं हंड्रेड लीटर का मतलब क्या होता है हंड्रेड इंटू टेन डेजा माइनस थ्री मीटर क्यूब क्योंकि वॉल्यूम है ना ये तो लीटर्स को हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया तो टेन डिस्टुबा माइनस थ्री मीटर क्यूब अपॉन मिनट को सेकंड में करेंगे तो वन मिनट इज इक्वल टू सिक्सटी सेकंड तो ये बन जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड तो ये वी अपॉन टी की वैल्यू आ गई है क्लियर तो वी अपॉन टी की वैल्यू आ गई तो रेनॉल्ड नंबर में डाल दीजिए वैल्यू तो रेनॉल्ड नंबर एन आर किसके बराबर आ जाएगा मेरा रो इस v की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा कैपिटल v ये b वेलोसिटी है ठीक है तो v की जगह पे क्या आ गया कैपिटल v अपॉन t इंटू ए ठीक है और d भी है और ईटा भी है क्लियर हो गया तो यहाँ से निकाल लीजिए वैल्यू क्या आ जाएगा ये रो वी डी क्या है बेटा डी होता है ट्वाइस ऑफ आर डायमीटर है ना इट इज़ ट्वाइस ऑफ रेडियस तो आपको रेडियस दी है ना पाइप की तो आप ट्वाइस कर दीजिए इसको अपॉन क्या बन जाएगा ये ईटा और ये एरिया एरिया किसके बराबर होता है बेटा पाई आर स्क्योअर के बराबर होता है तो पाई आर स्क्योर इन टी तो ये एक आर और एक आर क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट तो ये क्या बन जाएगा टू रो वी अपॉन ईटा पाई आर टी क्लियर तो डेंसिटी ऑफ वाटर उन्होंने दी है आपको थाउजेंड के जी पर मीटर क्यूब ठीक है और आपको कोफिशेंट ऑफ विस्कॉस्टी ईटा भी दिया है मिली पासकल पर सेकेंड क्लियर तो यहाँ से आप बेटा वी अपॉन ई की वैल्यू हमने निकाल ली है ये जो वी अपॉन ई है इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है ठीक है रो आपको दिया हुआ है ईटा आपको दिया हुआ है पाई की वैल्यू पता है आर आपको दिया हुआ है तो सारी वैल्यूज डाल दीजिए ईटा कितना दिया है आपको ईटा दिया है वन मिली पासकल पर पासकल सेकेंड तो मिली पासकल को पहले पासकल में कन्वर्ट कर लीजिए वो कितना आ जाएगा मिली मीज टेन रिजोबा तो माइनस थ्री पासकल सेकेंड क्लियर और आपको रेडियस कितनी दी है फाइव सेंटीमीटर इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए फाइव इंटू टेन रिजटा तो माइनस टू मीटर तो बेटा सारी वैल्यूज डाल दीजिए तो देयर फोर इनॉल्ड नंबर जो आपका होगा वो किसके बराबर आ जाएगा डालें वैल्यू टू इंटू रो रो कितनी दी है थाउजेंड इंटू वी वी अपॉन टी, वी अपॉन टी आपका कितना निकला था हंड्रेड इंटू टेन रेज टू पावर माइनस थ्री अपॉन सिक्सटी ठीक है और नीचे क्या है ईटा ईटा की वैल्यू कितनी है अभी लिखी हमने टेन रेज टू पावर माइनस थ्री है इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है थ्री पॉइंट वन फोर होती है और आर आर कितना है आपका फाइव इंटू टेन रेज टू पावर माइनस टू तो जब ये सारी वैल्यूज डालेंगे आप कैलकुलेट करेंगे योर आंसर कम्स आउट टू वी टू हंड्रेड ट्वेल्व पॉइंट थ्री इंटू टेन रेज टू पावर टू तो विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा टू अगर मैं दो पॉइंट शिफ्ट कर दूं तो टेन की पावर टू जो है ये टेन की पावर फोर बन जाएगी तो टू इंटू टेन रेज टू पावर फोर तो ये आपका कुछ इस तरह से रिनॉल नंबर आएगा किसकी पावर में आ रहा है उन्होंने पूछा आपको तो ये कितनी पावर में आ रहा है ये टेन की पावर फोर में आ रहा है तो सो ऑर्डर ऑफ रिनॉल नंबर इज ऑफ टेन की पावर फोर क्लियर हो गया